नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ जिला और प्राइवेट अस्पतालों की निर्दयता के बाद लगभग 80 वर्ष का बुजुर्ग अपने घायल बेटे को ठेले पर लेकर दर दर भटक रहा था। बता दें कि आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय के डॉक्टरों की संवेदनहीन के बाद एक 80 वर्ष अपने घायल बेटे को लेकर दर दर भटक रहा था। सरकारी अस्पताल से निकाले जाने के बाद बुजुर्ग ने कई प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बुजुर्ग ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड भी दिखाया, लेकिन सभी प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान से इलाज करने से साफ मना कर दिया। तभी कुछ पत्रकारों ने से यह पूरा मामला दिनू जायसवाल के संज्ञान में आया, तो दिनू जायसवाल बुजुर्ग का पता लगवाकर उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़कर तुरंत उसके बेटे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और घायल युवक का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया। अभिषेक जायसवाल दिनू के इस सराहनीय कार्य से पूरे शहर में उनकी तारीफ की जा रही है, तो वही दिनू जायसवाल ने कहा कि वह सेवा भावना हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। हम इस तरह की सेवा निस्वार्थ भाव करते चले आ रहे हैं और इस गरीब परिवार के बेटे का इलाज हम करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने में हमें अत्यंत खुशी मिलती है। क्या नाम है बाबू? हम नाम हरीश चंद चौबे। कहाँ रहने वाले हैं आप? सिधारी हाडिल चौराहा आजमगढ़। क्या घटना थी, आप अपने बच्चे को लेकर घर घर भटक रहे थे, क्या हुआ था? बच्चा हमारा साहब नहा रहा था, गिर पड़ा था। हाँ। जब गिर गया तो उसका दोनों पांव सुन्न हो गया। हाँ, हाँ? उससे वो बैठ नहीं पा रहा था, तो हम अस्पताल में कई अस्पताल में गए, शारदा में गए, सरकारी सदर में गए, सरोज में गए, विद्या में गए, खेतान में गए, मैंने कोई सुनवाई, आयुष्मान कार्ड लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड दिखाए तब भी नहीं? हाँ, नहीं था, कुछ नहीं किए, नहीं किए। अच्छा, कौन मदद किया, कैसे कैसे मदद हुई? तो हमारे आपसे के जरिए हुआ बाबू ना, आपके जरिए हमारा, हम ठेले पर लेके जा रहे थे, हमको रेफर कर दिए कि जाओ BHU में जाओ। हाँ। तो हम उस लायक तो है नहीं कि BHU में पहुंच पाएंगे। हाँ। हमको साहब देखे। हाँ। यहाँ पर DAV स्कूल के पास। हाँ। हम ठेले पे जाते हुए माँ को, लड़के की माँ ली भी थी साथ में और लड़का भी था और हम भी, हम ठेला खींच रहे थे। साहब हमको ठेला रखवा करके सारी हाल हमसे व्यवस्था पूछी, तो हम साहब को सब बताए। आज कौन मदद किया है, किसके हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ, आज हम दीनू बाबू के अस्पताल में आए हैं। हाँ, हाँ, वहाँ वो उन्होंने कहा कि बाबू हम आपका पूरी सेवा करेंगे। हाँ, तन मन धन से जैसे भी होगा आपकी सेवा हम पूरी करेंगे। पैसा इलाज फ्री में? हाँ, पैसा इलाज कुछ नहीं लगेगा आपका। हाँ, संतुष्ट हैं इनके, दीनू जायसवाल से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है बाबू, इतना संतोष दिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे? एक गरीब बुजुर्ग के बेटे की आपने मदद की, दर दर वो भटक रहे थे अपने बेटे को लेकर, इलाज नहीं कहीं हुआ, सरकारी हॉस्पिटल से भी उसको कहा गया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। देखिए, मैं अभिषेक जायसवाल दीनू समाज सेवी, मैं शहर में टहल ही रहा था तो मैं एक देखा, एक गरीब दंपत्ति अपने पुत्र को लेकर के हर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, सरकारी हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगा रहा है। उनसे पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इनके बेटे की तबीयत खराब है और पैर इनका उठ नहीं रहा है बेटे का, और ये कई हॉस्पिटलों में गए जहां इनको जगह नहीं मिली और इनको इलाज नहीं हो पा रहा है, काफ़ी रोने लगे हमारे सामने। तो मैंने जो है आजमगढ़ के दलाल घाट स्थित एक निजी IPCT हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट करवाया, और एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर से अनुरोध के बाद डॉक्टर साहब ने पूर्ण सहयोग दे करके, डॉक्टर नवनीत गुप्ता ने पूर्ण सहयोग दे करके इनका इलाज प्रारंभ किया, और यथासंभव जो है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की तरफ से, स्टाफ के तरफ से, प्लस हमारे तरफ से जो भी यथासंभव मदद हो रही इनके इलाज में की जा रही है। दाम्पत्य को हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके बेटे की तबीयत सही हो जाए। जब इन्होंने अपनी दुखद घटना घटाई, इससे हम काफ़ी हम भी परेशान हुए कि आज भी लोग तरह तरह के राजनीति करते हैं, तरह तरह के सेवा करते हैं, लेकिन शहर में ऐसे भी लोग हैं जिनको इलाज नहीं उपलब्ध हो पाता है। उन लोगों के लिए हम लोग को भगवान ने ऐसा किया कि जिसके वजह से हमें इनसे हमारा संपर्क हुआ, और संपर्क करके हम, ये निखिल चौबे पुत्र हरिश्चंद चौबे सिधारी हैडिल के हैं,
और यहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं जो भी होगा इस हॉस्पिटल में मदद, अगर इससे आगे भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग किसी न किसी व्यवस्था से इनका इलाज संपूर्ण रूप से कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इन बुजुर्ग लेके 80 वर्ष की उम्र में ये पूरा 80 वर्ष के उम्र में इनकी पत्नी लगभग 78 वर्ष की हैं और ये 80 वर्ष के इस चल चलाती धूप में ये अपने बच्चे को ठेले पर लेकर के घूम रहे थे और इन्हें एम्बुलेंस, इन्होंने जो बताया कि हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं हो पाई, मैं तुरंत इनको साथ सहायता करके और अपने मित्र दोस्तों के माध्यम इनको अपने यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में ला करके भर्ती कराया, जो कि हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर यहाँ डॉक्टर नवनीत गुप्ता, और उनसे अनुरोध करके तथा उनके द्वारा पूर्ण सहयोग लेकर के इनका इलाज यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुआ तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने 21वीं शताब्दी में और इतने व्यवस्था होते हुए भी आज भी लोग दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इन्होंने बताया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ भी हमारा सहयोग नहीं मिला, वहाँ से मैं डिस्चार्ज कर दिया।